ताल मिलाएं, नए जोश से गाएं, इस मंच पर हम आए संगीत की शान बढ़ाए। उभरते सितारे हम हैं, उभरते सितारे, उभरते सितारे हम हैं, उभरते लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ मैं मनीषमा ऑन एमबीसी चैनल 3 पर, जहाँ पर हो चला है शुरू उभरते सितारे का सिंगिंग कंपटीशन का फर्स्ट प्रेलिमिनरी। जी हाँ, अ ग्रैंड इवेंट टू कंक्लूड द 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। तो सबसे पहले हम परिचय करवाना चाहते हैं आप सभी का विद आवर ज्यूरी मेंबर्स। शुरुआत करते हैं हमारी गुरु जी विशाल मंगरू जी के साथ, जोरदार तालियां हो जाए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ज्यूरी मेंबर, उनका नाम है डॉक्टर वर्षा रानी विशेषार दिलुआ। हमारे साथ है गुरु जी राहुल राणदे है, जोरदार तालिया, थैंक यू सो मच। एंड नॉट टू फॉरगेट, बढ़ते हैं हमारे म्यूजिशियंस की ओर, वो लोग हमारा साथ निभाने वाले हैं थ्रू आउट दिस कंपटीशन, और वो है सप्त स्वर ऑर्केस्ट्रा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए फिर सप्त स्वर ऑर्केस्ट्रा। और नॉट टू फॉरगेट, डेको मटेरियल्स के लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिए है, थैंक यू सो मच फॉर एसडी इवेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए, ये सिंगिंग कंपटीशन है और शुरुआत करना चाहते हैं हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट के साथ, उनका नाम है नीलेश कुमार सिंह रघुनाथ, जोरदार तालियां हो जाए। इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली थी सरिया तेरा इश्क का पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, सरिया तेरा इश्क का पिया, मौसम में भी रंगी चनारों जैसे जन के सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी, सदियों से भी लंबी है मन की अम्मा बसी है, और तू फूल झड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा, सरिया तेरा इश्क ना पिया, रंग
ग़फ़िया केसरिया तेरा इश्क ग़फ़िया इश्क ग़फ़िया परफॉर्मेंस के साथ हमने शुरुआत की है इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शो का नाम और सिंगिंग कंपटीशन तो सितारे उभरते सितारे वे तो कमी तो नहीं है यहाँ पर इस कंपटीशन में। वैसे अभी तो हमने शुरुआत की है विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, अभी आगे के ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मिलना उनसे बात करना क्या मस्ती है क्या मजाक है। वैसे हम यहाँ पर किसी से बात कर रहे थे, कुणाल मघु जो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर हैं, एंड उनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा कि वो तो बड़े फ़ैन हैं शाहरुख खान की और उन्होंने चुना है गाना सोनू निगम की आवाज़ की और फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो, वो तो कल हो ना हो गाने वाले हैं। कुणाल मघु को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। जी हाँ, वेलकम एंड एंजॉय, गेट रेडी फॉर योर परफॉर्मेंस। Thank you.
सोच लो इस पल में जो वो रास्ता तय हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा जो है समा पर इस उभरते सितारे कंपटीशन में हर एक पल कीमती है क्योंकि उनके परफॉर्मेंसेस के आधार पर उनको पॉइंट्स उनको जज किया जा रहा है। जी हाँ, अभी के लिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को लेकर। हमारे साथ है पल विनाशा रामदयाल जो लेकर आ रही है एक खूबसूरत गाना। हम कह सकते हैं लता जी का एक गाना निभाना कितना कठिन हो सकता है आप तो जानते ही है। Yeah.
यहाँ पर इस उभरते सितारे कंपटीशन में और इस कंपटीशन के द्वारा हमारे हर कंटेस्टेंट अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं अपनी आवाज़ द्वारा, लेकिन अभी के लिए हमारे साथ है हमारे अगले परफॉर्मर। वो एक तबला प्लेयर है, उन्होंने कहा कि वो 5 साल से तबला बजाना चाहते थे और बजा भी रहे हैं, और अभी वो आ रहे हैं सिंगिंग की दुनिया में प्रवेश कर दे, और वो हमारे साथ है, उनका नाम है चेतन्ना लबुतुला।
क्या बात है चेतन जी, सलमान खान तो बड़े खुश होंगे। आई होप कि हमारे जजेस खुश है आपके परफॉर्मेंस के साथ। जी हाँ, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं ना, हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं और आपको कह दूँ वो थोड़े से स्पिरिचुअल गाने गाते हैं, लेकिन पहली बार वो टीवी पर आ रहे हैं और एक बॉलीवुड गाने के साथ। उनका नाम है वैभव कुमार मोहन। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी का तकदीर ऐसी, I'm not afraid to die.
हमारे ऑडियंसों से खो गए हैं कलंक की टाइटल सॉन्ग के साथ. थैंक यू सो मच वैभव कुमार जी फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस. वैसे यहाँ पर थोड़े से चेंज हम ले आना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग उन्होंने कहा है एक्चुअली द नेक्स्ट परफॉर्मर्स ना एक है ये ड्यूएट है. उन्होंने कहा, उन्होंने चुना है ये गाना खासकर हमारे नौजवानों को एक मैसेज भेजने के लिए कि 60s और 70s और 80s में भी हम दमदार परफॉर्मेंसेस भी दे सकते हैं. वो तो मस्ती करने आ पहुँचे हैं हमारे साथ है ये ड्यूओ. हम वेलकम करना चाहते हैं आदेश गुप्ता एंड सरिता रामदनी का.
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, वैसे हम सभी का दिल बहल गया है ना उनके आ जाने से. क्या बात है, वंडरफुल परफॉर्मेंस. वैसे हमको बताया गया वो दोनों ना ड्यूएट गोविंदा के बड़े फैन हैं. वैसे आई होप कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस उनका, आई डोंट नो, अगर क्रॉस फिंगर्स सिलेक्ट हो जाए तो गोविंदा का एक गाना चला सकते हैं. अभी के लिए हम गोविंदा को भूल जाएं क्योंकि आतिफ असलम आ रहे हैं. जी हाँ, आतिफ असलम नहीं लेकिन उनका एक गाना वो लेकर आ रहे हैं. उनका नाम है फादिल तिलक. जोरदार तालियां हो जाए. तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बह के आंसू तू चली आती है. जुदा होके साथ मेरे है तो हर पल सब के अंधेरे में, पास मेरे है तो हर दम उजले सब रे में. जिसे घर कर भुला देना आसान नहीं है. अब तो आदत we'll be right back.
बात है फादर जी, आप तो छा गए यादों में, हम कभी भूलेंगे आपकी परफॉर्मेंस को। अभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक गाना, रोमांटिक सॉन्ग है। उनसे पूछा गया कि आपने ये गाना क्यों चुना, उसने कहा कि 30 साल पहले की बात है, अभी वो तो कहानी सुनाने चल पड़े, लेकिन मैंने कहा कि आप तो गाना गा दो। वो आ रहे हैं खेबीश जी, स्वरूप जी महाराज, आप आ जाइए। दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत जो और दिल धोने माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत जो और मासूम हो प्यार के जैसी, दीवाना दिल धोने। हुस्न के टुकड़े चुरा के नजर ने तस्वीर उसकी बनाई, सारे जहां की हसीनों की रौनक एक ही तन में सजाई, वो बन के हकीकत नजर आएगी कब, ख्यालों में ख्वाबों में है जैसे दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत हो जो और मासूम हो प्यार के जैसी, दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, दीवाना दिल ढूंढे
आशिक एक ऐसी। क्या कमाल का परफॉर्मेंस है ना, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग। ये भी तो बनता है हमारे जो बॉलीवुड में इतने सारे खूबसूरत गाने हैं उनका चुनाव तो हम तो करना ही पड़ रहा है। वैसे यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा गाना, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, लता जी का एक गाना। उसको निभाने वाले हैं माया जी। माया जी को हम बुलाना चाहते हैं, उनसे पूछा गया कि उसने ये गाना क्यों पसंद किया है, क्यों चूज़ किया है। उसने कहा कि हम तो स्पिरिचुअल गाने गाते हैं लेकिन ये गाना दिल के बहुत करीब है और उन्होंने चुना है, तो उसका हम स्वागत करना चाहते हैं। माया जी आइए प्लीज़। आवाज़ थी
ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल तो है दिल दिल का इतबार क्या कीजिए माया देवी कुते नफल नहीं है उनका अभी के लिए हम बुलाना चाहते हैं विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सत्ते पे सत्ता दिलबर मेरे कब तक मुझे अभी आ रहे हैं ज्ञान देव जी जोरदार तालियां हो जाइए पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तर पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में निकल जाओगे पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तर पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो ये पल में निकल जाओगे सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में ओ दिल मचल जाएगा प्यार हो जाएगा पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तर पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे ए होठ खो जाएगा प्यार हो जाएगा पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तर पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे देव जी आपने तो न सिर्फ हमारे दिल में आग लगा दी स्टेज पर भी आपने आग लगा दी अभी के लिए हमारे अगले परफॉर्मर को बुलाने का ये जो मौका है आ गया है वो बस जस्टिस कर पाएंगे बप्पी लहरी का एक गाने के साथ हम देखेंगे बाकी जूरी मेंबर्स के हाथों में सब कुछ तो बुलाना चाहते हैं हिशा झुनकिया को तेरा प्यार
आ रहा है
परफॉर्मेंस, एक सवाल करूं सभी दर्शकों के साथ, वो तो न सिर्फ अच्छे सिंगर भी है, डांसर भी है ना? जोरदार तालियां हो जाए फौगिशा जॉन किया के लिए। अब के लिए बढ़ते हमारी लास्ट परफॉर्मेंस फॉर दिस फर्स्ट प्रेलिमिनरी उभरते सितारे की लास्ट परफॉर्मेंस। उन्होंने ट्राई किया है सबसे डिफिकल्ट, वो कहती है जगजीत सिंह के बहुत बड़े फैन है, उन्होंने कहा कि उनको पहली बार प्यार का एहसास भी हुआ है इसी गाने के साथ, तो हम बुलाना चाहते हैं ऑन स्टेज करिश्मा किशन दयाल को।
थी द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस फर्स्ट प्रेलिमिनरी विद करिश्मा की सुनते यार। अभी के लिए हम आप सभी को रेंडेवू देना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रेलिमिनरी यानी कि सेकंड प्रेलिमिनरी ऑफ उभरते सितारे ऑन MBC चैनल 3 रात्रि के 8 बजे शनिवार। इस मंच पर हम आए संगीत की शान बढ़ाए उभरते सितारे हम हैं उभरते सितारे उभरते सितारे हम हैं उभरते सितारे इस मंच पर हम आए संगीत की शान बढ़ाने उभरते सितारे हम हैं उभरते सितारे उभरते सितारे हम हैं उभरते सितारे उभरते सितारे उभरते सितारे।